रामलीला दीपावली के बाद इसलिए मनाई जाती है, बहुत कठिन परिस्थिति में हम लोगों ने रामलीला खेला था और एक समय एक निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन दिवाली के बाद जो रामलीला हमारे यहाँ खेली जाती है, हर आदमी इकट्ठा होता है और रामलीला भगवान राम के सपनों का प्रतीक है और हर आदमी हमारे गांव में इकट्ठा होता है। आप भी अपने किए हैं इसमें रामलीला में? हाँ, रामलीला में हम चूँकि संस्थापक रह चुके हैं, 1987 में हमने जो इस रामलीला को शुरुआत किया था इंटर पास होने के बाद, मेरी दिली इच्छा थी कि पूरे गांव में पूरे समाज में रामलीला को दिखाया जाए। रामलीला के मंचन में महादेवा गांव के लोग एकता का बेजोड़ प्रदर्शन करते हैं, यह लोगों के लिए नज़ीर है। यहां सब मिलकर नाटक करते हैं, मंचन करते हैं और पैसा भी सब सहयोग से खर्च करते हैं, पूरा तालमेल होता है। इस हिसाब से रामलीला का मंचन होता है, रावण दहन होता है, भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। आशुतोष मिश्रा, ETV भारत, सुल्तानपुर।